मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का लंबी बीमारी के बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल में आज सुबह 5:30 बजे निधन हो गया। 85 वर्ष की उम्र में टंडन ने अंतिम सांस ली। लालजी टंडन के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, राज्यपाल अनुसुईया उइके, सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम नेताओं ने दुख जताया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन लंबी बीमारी के बाद सुबह 5:30 बजे अंतिम सांस ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन से हमने एक दिग्गज नेता को खो दिया है, जिन्होंने लखनऊ के सांस्कृतिक परिष्कार और एक राष्ट्रीय गतिरोध के संयोजक को जोड़ा है। उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया है। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। लालजी टंडन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि लालजी टंडन को समाज की सेवा के उनके अथक प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने एक प्रभावी प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। हमेशा लोक कल्याण को महत्व दिया है। उनके निधन से दुखी हूँ। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर गहरा दुख हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। वहीं देसी एम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। टंडन का मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं को लंबे समय तक मिला। उन्होंने जनता और राष्ट्र की सेवा का एक अद्भुत उदाहरण पेश करने किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि राज्यपाल लालजी टंडन के निधन की खबर सुनकर शोक हुआ हूं। उनके निधन से देश ने एक लोकप्रिय जननेता, योग्य प्रशासक एवं प्रखर समाज सेवी को खोया है। वे लखनऊ के प्राण थे। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करता हूँ। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।